गुड मॉर्निंग ऑल, वेलकम बैक आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ समर वेकेशंस। नाउ आई हार्डली वेलकम विद द आर्ट एजुकेशन चैनल एंड आर्ट एजुकेशन सब्जेक्ट। सो अंडर आर्ट एजुकेशन व्हाट वी नीड टू डू, सी वी विल बी मेकिंग दिस काइंड ऑफ बॉर्डर्स विच वी कैन यूज इन डेकोरेशन पर्पस फॉर एनी इन एनी थिंग, for a file cover also, for a display board also, or we can decorate our house from these borders. So let me tell you what are the things needed for this. See, we need this kind of colored paper. It is easily available in the stationery, eraser, pencil, scissor and fevicol. These are the things which we needed. Now let's start up. Now we are having this colored paper, or what we need to do, isko aadha fold karna hai hum logo ne. Theek hai, I had already done that, let me show you. See क्या किया है मैंने, इसको आधा कर दिया है और इसके साइड्स को ऐसे चिपका दिया है। यू कैन सी, ऐसे चिपका दिया है मैंने, ठीक है। अब ये बड़ा सा स्ट्रिप बन गया इसका, ठीक है। नाउ इसके बाद में व्हाट वी नीड टू डू, ऐसे करके हमने इसको इक्वल रेशियोज में फोल्ड कर देना है। देयर इज नो लिस्टेड साइज, हमें अंदाजन करना है इसको, बट इसकी फोल्डिंग बड़ी शार्प वे में करनी होगी, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत भी अगर ऊपर नीचे हुआ, देखिए यहां पे बिल्कुल उतना ही पेपर फोल्डेड है, उतना ही सब कुछ है। सी अब नाउ ये एक्स्ट्रा पार्ट है, इसको हम काट देंगे। ठीक है, इतना होने के बाद में हम इसको ऐसे फिर से फोल्ड कर देंगे। अब वी नीड टू ड्रॉ, वी कैन यूज स्केल ऑल्सो, और अगर आप सीधी लाइन खींच सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वरना आप स्केल यूज करिएगा। सी कोई भी डिजाइन बना लीजिए आप। बीच में ऐसे सर्कल बना देंगे। अब अपने को ये वाली लाइन, इन दोनों के बीच का स्पेस, ये दोनों बराबर होना चाहिए और ये इन दोनों का बराबर होना चाहिए। अब इस सर्कल को थोड़ा सा एडिट करेंगे, ये थोड़ा सा इसके टच में जाए तो ज़्यादा। अब
यहाँ से एक ट्राइंगल बना लेंगे। It doesn't mean that you need to do this only. You can make any kind of drawing. The main thing which we need to take care is ki how to cut. Cutting अच्छे से आनी चाहिए बस, बाकी और कुछ नहीं है इसके अंदर। Now in the next part we will learn how to cut it. Thank you for watching.